तो यंग डबल स्लिट का जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो फेज डिफरेंस हमने पीछे पढ़ा, जो पार्ट डिफरेंस हमने पीछे पढ़ा, वो दोनों चीजें इसके अंदर रिलेट होकर आ रही होती है, राइट। और ये बेसिकली लाइट की जो प्रॉपर्टी है, यस वेव की जो प्रॉपर्टी है, जो कि इंटरफेरेंस है और डिफ्रैक्शन है, ये उन दो प्रॉपर्टी के ऊपर जो है ना काम कर रहा होता है, सही है। सो इंटरफेरेंस की बात तो हम पहले कर चुके हैं, सही। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस का जो प्रिंसिपल था वो हम देख चुके हैं। तो पहले तो डिफ्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। डिफ्रैक्शन तुम लोगों ने वैसे ओ लेवल में पढ़ रखी है, सही। सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी होती है डिफ्रैक्शन की, सही है। डेफिनेशन हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद जो थ्री टू है वन वो उसके आगे चलेंगे। अच्छा, तो डिफ्रैक्शन का सीन हमारे पास ये है कि हम ये कह रहे होते हैं हमारे पास स्प्रेडिंग ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू स्लिट और एज, सही, और एपरेचर, राइट। सो ये हमारे पास जो है डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट तुम लोग को पता है कि अगर दो वेव जो है सुपर इम्पोज हो रही है तो हमारे पास जो है इंटरफेरेंस होती है, राइट। मतलब इंटरफेरेंस करवाने के लिए हमारे पास दो अलग दो सोर्सेज होनी चाहिए, राइट। क्योंकि दो अलग अलग जगहों से वेव ट्रेवल करेंगी तो ही इंटरफेरेंस होगी। एक जगह से होगी तो ऑब्वियसली बात नहीं हो पाएगी, सही है। एक चीज तो दो अलग अलग जगह से होगी तो ही इंटरफेरेंस होगी, पहली चीज। और दूसरी चीज डिफ्रैक्शन कब होगी, जब लाइट किसी ऑब्स्टिकल, किसी एज से, किसी स्लिट से, किसी अपर्चर से पास होगी, तो उसमें जो है डिफ्रैक्शन होगी, राइट। बच्चों इतना समझते हो? जी सर। अच्छा, इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए, अच्छा, लाइट की ना एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक, सही है। वर्ड से शायद अंदाजा हो जाए, मोनो क्रोमेटिक, सही है। सो मोनोक्रोमेटिक हमें कहती है कि लाइट ऑफ वन कलर, सही है। लाइट ऑफ वन कलर कह दो, वन वेवलेंथ कह दो, वन वेवलेंथ तुम कह सकते हो, सही है, वन फ्रीक्वेंसी तुम कह सकते हो, वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी, सही है, तुम ये सब चीजें कह सकते हो। तो ये तुम्हारे पास होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट। अच्छा, तो मोनोक्रोमेटिक, अच्छा वैसे मोनोक्रोमेटिक, मोनो का मतलब वन है, क्रोम का कलर को कहते हैं, राइट। सो वन कलर, कोई भी एक कलर की लाइट, कोई भी एक कलर से, यहाँ पे ये नहीं है कि रेड कलर हो गया या ग्रीन हो गया या ऑरेंज हो गया या ये हो गया, ठीक है। क्योंकि और थोड़ा सा इस प्रिसाइज मतलब है इसका, क्योंकि अगर हम इन जनरल बात करें कि रेड कलर है, सो रेड कलर बेसिकली एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे नहीं आता, बल्कि रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है कि जिसमें तुम्हें रेड के डिफरेंट कलर या डिफरेंट शेड्स तुम्हें मिलेंगे, राइट। और इसका अंदाजा लड़कियों को काफी ज्यादा होता है, क्योंकि लाइक उनकी आंखें जो होती हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा आप कह लो कि कलर को पिक कर सकती है हमारी आंखों से, सही है। तो ये कहानी है। खैर, तो जो भी आप लाइट ऑफ वन कलर बोल रहे हो, वन कलर से मतलब है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को आप रेफर कर रहे हो, राइट। मतलब अब रेड लाइट की तकरीबन जो वेवलेंथ होती है वो, अगर हम पीछे जाएं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 600 के आसपास होती है, 650 के, लेकिन अगर हम पीछे जाएं यहाँ पे देखें, अगर हम रेड लाइट की जो वेवलेंथ का रीजन है वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ये तो रेड लाइट जो बेसिकली स्टार्ट हो रही है वो एंड तो तकरीबन 700 पे हो रही है, आगे जाएगी तो फिर इंफ्रारेड बन जाएगी, जो कि हमें दिखती नहीं है, वो हीट की फॉर्म में होती है, राइट। तो उसके लिए हमें थर्मल विजन लगाना पड़ेगा। तो तकरीबन अगर तुम यहाँ से देखो, अच्छा ये इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। तो तकरीबन 10 बॉक्सेज आ रहे हैं, और तकरीबन आप अगर देखो सो यहाँ से तकरीबन ना एंड तक वो रेड तुम्हें दिख रहा है, पीछे थोड़ा सा ऑरेंज शेड हो रहा है, फिर येलो से ऑरेंज हो रहा है, ग्रीन येलो ऑरेंज, सही है। तो वो एक शेड अच्छे से आ रहा है। तो अगर तुम इधर से देखो, या
इधर से अगर तुम ऑब्जर्व करो तो तकरीबन 690 के आसपास, 690 से अगर तुम 700 तक चले आओ, तो बेसिकली ये रेंज है जो कि तुम्हें एग्जैक्टली ये प्योर रेड कलर दे रही, राइट। अब इसका ये मतलब नहीं, अगर तुमने रेड बोला तो इसका मतलब है कि कोई भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होनी चाहिए, यानी 690 में भी, 691 में भी, और 692, लेकिन एक पर्टिकुलर होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, राइट। क्लियर हो गया? यस। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो हम उस मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करेंगे जिसकी एक वेवलेंथ हो, राइट। सो ये तो हमारे पास हो गई। अब जरा जो है ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि हमारे पास जो है उसके अंदर क्या होता था। अच्छा, पहले जमाने में जो है ना, जब हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट हम नहीं बना सकते थे, यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट बेसिकली लेजर्स होती है, जो लेजर हमारे पास होती है, और लेजर का कॉन्सेप्ट बेसिकली आइंस्टाइन ने दिया था। तो उसके अंदर पूरी क्वांटम फिजिक्स के बाद, तो तकरीबन 1900 के अंदर वो लेजर का एक्सपेरिमेंट आया, और ये जो यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है ये उससे काफी पहले का है, सही। तो उस वक्त वो क्या कहते थे कि वो वाइट लाइट यूज करते थे इस एक्सपेरिमेंट के लिए, राइट। तो वाइट लाइट में मसला ये कि वाइट लाइट के अंदर तो बहुत सारे कलर होते हैं, सही है। और बहुत सारे अगर कलर होंगे तो आउटपुट आपको प्रॉपरली नहीं मिल सकेगा, उसके अंदर क्या ड्रॉबैक्स होंगे या क्या खराबियां होंगी वो मैं बताऊंगा, लेकिन वो नहीं मिल सकते थे, सही है। सो उसके लिए ना साइंटिस्ट क्या करते थे कि एक लगाते थे सिंगल स्लिट। अच्छा, सिंगल स्लिट का मतलब है कि ये आपके पास हो गई, एक कोई भी आपने वो लगा दिया, सही। यहाँ पे आपके पास होगी लाइट सोर्स, सही, और यहाँ से लाइट एमिट होगी, सही, और ये जो आपको एक ऑब्स्टिकल बनाया हुआ है ना, ये बेसिकली एक स्लिट के तौर पे या एक एज के तौर पे काम कर रहा होगा, सही। अब जैसे ही लाइट यहाँ से पास होगी तो लाइट ने डिफ्रैक्ट होना चाहिए, कलर चेंज नहीं होगा लाइट का, लाइट ने डिफ्रैक्ट होना है, देखते, सही। और बेसिकली फिर एक कलर की वेवलेंथ यहाँ से पास हो पाएगी, हर कलर की वेवलेंथ नहीं पास हो पाएगी, राइट। तो ये हम बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि तो ये हम बेसिकली जो सिंगल स्लिट लगाते हैं ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को पिक कर पाए, राइट। तो उस तरीके से हमारे पास फिर हमारे पास काम होता है, ये कुछ मिलीमीटर्स के अंदर इसकी कुछ इसका डिस्टेंस होता है, राइट। तो अब जब यहाँ से हमने कोई एक लाइट पिक कर ली तो अब आगे जाके जो है हमारे पास डबल स्लिट होती है, सही है। डबल स्लिट का मतलब कि हमारे पास दो डिफरेंट जगह पे हमने ऑब्स्टिकल सॉर्ट ऑफ बनाया हुआ होता है, लाइक दिस, और ऐसे उसको नीचे बना देते हैं। सही है। और ये फिर आगे जो है वो हमारे पास ये होती है सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट, सही है, और ये होती है डबल स्लिट, सही है। तो सिंगल स्लिट में हमारे पास हमने सिर्फ लाइट को मोनोक्रोमेटिक करने के लिए यूज किया हुआ होता है, सही है। ओनली कन्वर्ट, राइट, इनटू मोनोक्रोमेटिक, राइट, सही है। और मोनोक्रोमेटिक जो है ये डिफ्रेक्शन से हो जाती है, सही है। डबल स्लिट के अंदर फिर हमारे पास क्या होता है, फर्दर एक्सपेरिमेंट हमारे पास होता है, सही है। अच्छा, अब बेसिकली अब जरा यहाँ पे पहले डबल स्लिट का मैं यूज बाद में लिखता हूँ, पहले मैं इसका ना सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना लेता हूँ थोड़ा सा, और फिर उसके बाद फिर तुम्हें समझाऊंगा। इसको एक मिनट, इंटरफेरेंस की पिक्चर उठा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं जरा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, इसकी बजाय ये लगा देते हैं।
तो अब तुम्हारे पास ये कुछ कहानी है, सही है? अगर तुम इस कहानी को गौर करो तो तुम्हारे पास जो है, या ए जो है वो सिंगल स्लिट है और बी जो है वो डबल स्लिट है, राइट? ए के अंदर से जो वेव हमने पास की थी वो इसी तरह से की थी, और बी के अंदर से वेव मैंने बनाई नहीं थी, राइट? वो तुम्हें इस तरह से दिखेगी। अच्छा, ए का काम सिर्फ ये था कि वो तुम्हें सिंगल स्लिट प्रोवाइड कर रहा था, जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट को कन्वर्ट करने के लिए था, सही? अगर तुम्हारे पास जो इंसिडेंट वेव जो है वो मोनोक्रोमेटिक भी है तो तुम्हें कोई टेंशन है नहीं, सही? सिंगल स्लिट यूज करने की। अच्छा, प्लीज एक और चीज याद रखना कि बच्चे ना इसको समझते हैं कि दिस इज फर्स्ट स्लिट एंड दिस इज सेकंड स्लिट, तो वो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कहते हैं डबल स्लिट। ऐसा कोई चीज नहीं है, स्लिट का मतलब होता है ये वाली जो चीज है ना, ये इसको हम कहते हैं स्लिट, राइट? तो अगर एक लाइन के अंदर दो पॉइंट्स हो या दो होल्स हो कि जहां से वेव डिफ्रैक्ट होके जा सकती हो, तो वो बेसिकली जो है ना डबल स्लिट होगी और ये सिंगल स्लिट होगी, राइट? इसको प्लीज क्लियर रखना, सही है? अच्छा, अब डबल स्लिट बेसिकली क्या कह रही है, ये एक लाइट को दो डिफरेंट सोर्स बना रही है, क्योंकि देखो इनिशियली एक लाइट थी यहाँ से पास हुई, वो लाइट डिफ्रेक्ट हुई, लेकिन स्टिल वो लाइट एक ही लाइट यानी एक ही पॉइंट से अपेयर हो रही है, राइट? और यहाँ से यहाँ तक जब जाएगी तो वो लाइट एक ही पॉइंट से अपेयर हो रही है और एक ही पॉइंट तक जा रही है, राइट? लेकिन जब वो आगे गई, इस पॉइंट से पास हुई, सही, इस पॉइंट से पास हुई, तो अब क्या होगा कि वो एक लाइट बेसिकली सिर्फ दो डिफरेंट पॉइंट से पास हो पा रही है, राइट? सो इसका मतलब है कि दीज टू पॉइंट्स आर नाउ एक्टिंग एज द सोर्स या आउटलेट ऑफ द वेव, राइट? आई होप तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा, राइट? तो बेसिकली जो डबल स्लिट हम यूज कर रहे हैं, वो डबल स्लिट हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम लाइट को स्प्लिट कर सकें दो अलग अलग सोर्सेज के तौर पे, राइट? क्योंकि जाहिर बात है इंटरफेरेंस करवाने के लिए हमें दो सोर्सेज चाहिए, राइट? लेकिन मैंने तुम लोग को पिछले क्लास में बताया था कि कोई भी दो सोर्सेज एग्जैक्टली कोहेरेंट लाइट जनरेट नहीं कर सकती, एग्जैक्टली कोहेरेंट वेव जनरेट नहीं कर सकती। कोहेरेंट बोले तो कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस वाली लाइट, राइट? तो इसलिए हमें ये मेक श्योर करने के लिए कि हमारा फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट रहे, यानी कोहेरेंट लाइट आती रहे, सही है, हमने क्या किया, एक ही वेव को, एक ही लाइट को यूज किया और स्लिट को जो है ना बीच में से तोड़ दिया, सही है? और दो मतलब जो वो था जो हमने डिफ्रेक्शन के लिए जो हमने यूज किया हुआ, उसको हमने उसके अंदर दो होल कर दिए, दो स्लिट बना दिए, राइट? और वहां से जब वेव पास हो रही है तो वो कोहेरेंट लाइट जो है वो इंटरफेयर कर रही है, राइट? तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कहानी है, डबल स्लिट बेसिकली क्या कर रहा है कि प्रोवाइड आउटलेट फॉर द टू वेव्स फ्रॉम वन सोर्स, सही? इससे तुम्हें फायदा क्या होगा? इससे तुम्हें दो फायदे होंगे। एक फायदा ये होगा कि तुम्हारे पास कोहेरेंट लाइट रहेगी, लाइट की कोहेरेंसी चेंज नहीं होगी, और दूसरा फायदा कि तुम्हारे पास जो है इंटरफेरेंस हो सकेगी, इंटरफेरेंस, राइट? यानी अच्छा, इसका उल्टा अगर सोचें कि अगर हम लेट से ये दो स्लिट ना लगाए, इसके बजाय जो है ना हम दो लेजर यूज कर लें, सही, एक ये यूज कर लें, एक ये यूज कर लें, सही है? तो अब हम जब दो लेजर इसको यूज करेंगे तो होगा क्या कि मैंने तुम्हें बताया कि फ्रीक्वेंसी का बेसिकली ये हिसाब होता है कि एग्जैक्टली सेम अमाउंट में कोई दो अलग अलग सोर्सेज फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं कर सकती। मतलब अगर तुम्हारे पास ये 650 की नैनोमीटर की, राइट, लेजर है, 650 नैनोमीटर जनरेट कर रही है फ्रीक्वेंसी की, तो अगली वाली जो लेजर है वो एग्जैक्टली 650 जनरेट नहीं कर पाएगी, उसकी थोड़े नंबर आके पीछे होंगे, राइट? अच्छा, जब तुम्हारे पास थोड़े नंबर्स आगे पीछे हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि द लाइट इज नॉट कोहेरेंट, राइट? और दीज टू सोर्सेज और द वेव कमिंग आउट फ्रॉम दीज टू सोर्सेज दे आर नॉट कोहेरेंट, कोहेरेंट बोले तो कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस नहीं है, राइट?
कांस्टेंट फेज डिफरेंस ना होने की वजह थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी पहले ये समझो कि नहीं है। क्यों नहीं है आता हूँ उस पर। एक चीज मैंने बता दी कि कोहेरेंट लाइट या इसी तरह से साउंड सोर्स जो हमने पिछले वाले पिक्चर में देखी थी कि साउंड अगर दो दो आउटलेट है और एक ही सोर्स से कनेक्टेड है तो इसका मतलब है आप इन फेज या आउट ऑफ द फेज जनरेट कर सकते हो, राइट। फेज डिफरेंस कॉन्स में रख सकते हो, सही है। वो हमने अचीव कर लिया एक तो डबल स्लिट से, सही है, एक चीज। दूसरी चीज जो हमारे पास इंटरफेरेंस, अब बेसिकली इंटरफेरेंस तो हम दो लाइट सोर्स रखेंगे तो उससे भी हमें मिल जाएगी, क्योंकि हमें सिंपली इंटरफेरेंस के अंदर दो वेव, चाहे उसका फेज डिफरेंस सेम हो डिफरेंट हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो हमारे पास दो वेव होंगी, और अगर वो दो वेव है और वो दो सेम एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी तो वो इंटरफेयर करेंगी, उसकी उसका हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, राइट। इवन ऑपोजिट डायरेक्शन में भी करेंगे तो भी इंटरफेयर होंगी और उसमें हमें आउटपुट मिलेगा। हाँ सही है, उस हिसाब से मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है डिस्ट्रक्टिव, राइट। तो डबल स्लिट का जो मेन पर्पज है, वो मेन पर्पज आपके पास कोहेरेंट लाइट को के लिए या कोहेरेंट सोर्स के लिए, राइट। इंटरफेरेंस आप जो है उसके अलावा भी जनरेट करा सकते हो, राइट। लेकिन जब एक ही चीज से दो दो काम बोले तो हम दो काम करा लेते हैं, राइट। तो यहां तक तो हमने ये बात तो कर ली हमने डबल स्लिट की, सही है। अब आगे चलो, डबल स्लिट के बाद जो तुम्हें वेव दिख रही है, वेव पैटर्न, तुम्हें ये चीज वेव फ्रंट इन्होंने बना के दिया हुआ है, सही है। वेव फ्रंट, सही है। तो वेव फ्रंट क्या होते हैं? वेव फ्रंट बेसिकली अगर तुम वेव को ऊपर से देख रहे हो तो जो तुम्हारे पास क्रस्ट 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 चल रहे होते हैं, मतलब अगर तुम लाइक 3D डायग्राम में अगर बनाऊं, सही है। तो लेट से कि अगर तुम्हारे पास सही है, अगर तुम्हारे पास ये वेव है, सही है, तो अगर तुम इसको ऊपर से देखो यहाँ से, सही है, इधर से, तो तुम्हारे पास जो तुम्हें वेव दिखेगी वो तुम्हें ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, सही है। तो ये तुम्हारे पास जो है वेव फ्रंट होते हैं, सही है, वेव फ्रंट, सही है। और जो ट्रफ होगा वो तुम्हें डीप वाटर के लाइक तुम्हें उस तरह से दिखेगा, राइट। सो जब भी हम वेव को इस तरह से ऊपर से देख के बना रहे होते हैं तो हम वेव फ्रंट्स ड्रॉ करते हैं, राइट। अगर तुम इसका प्रैक्टिकल देखना चाहोगे कि तुम्हारे पास ये जिस तरह से ये जो यहाँ पे इन्होंने इंटरफेरेंस शो की हुई है ना, ये कि इंटरफेरेंस में किस तरह से देखेगी, तो तुम इसको ना इस तरह से देख सकते हो। मैं तुम्हें इसके लिए एक पिक्चर दिखाता हूँ तो बहुत सारी चीजें तुम्हें क्लियर होंगी, शायद तुमने वो देख रखी होगी एक्चुअली, लेकिन तुम्हें उसका आइडिया नहीं होगा, ये तो तुम्हें उस फिनोमिना का आइडिया नहीं होगा। सो बेसिकली ये देखो कॉपी और राइट, अच्छा जी, अब सीन ये जरा इसको थोड़ा सा समझना, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। सो अब सीन ये है कि हमारे पास यहाँ पे दो अल्लाह के नेक बंदे जिंदगी से फारिग होकर मछली पकड़ ले, सही है। तो उन्होंने अपने जो होती है जो भी चीज़ होती है उन्होंने पानी में डाली, सही है। तो उसकी वजह से वाटर वेव जनरेट हुई, राइट। और ये वाटर वेव बेसिकली वेव फ्रंट्स इन्होंने यहाँ पे पिक्चर के अंदर ड्रॉ करने की कोशिश की भी, राइट। तो तुम देख पा रहे हो कि जब वो वेव फ्रंट एक दूसरे से इंटरफेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, यहाँ पे तुम्हें क्या मिल रहा है? अगर तुम ये वाला पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट देखो, देख पा रहे हो, दिख रहे हैं ये वाला पॉइंट जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, सही जी सर, है। ये तुम्हें एक हाई वेवलेंथ के तौर पे देख, या हाई आप कह लो कि एम्पलीट्यूड के तौर पे देख रहा है, ऐसे ही रियलाइज हो रहा है तुम लोगों को, देखने में ऐसे ही लग रहा है या मुझे अलग दिख रहा है? जी सर, देख रहे हैं। ये बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, राइट। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से आपको ये हायर एम्पलीट्यूड दिख रहा है, और ये जो बीच वाले पॉइंट है, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है।
राइट। तो उसी चीज को अगर तुम यहां पे समझने की कोशिश करो इस डायग्राम के अंदर, तो जहां पे वेव एक दूसरे के ऊपर आ रही है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। कैसे? यहाँ पे देखते हैं अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की, सही है? फिर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, राइट? मतलब ये जो पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन पे जहां जहां पे वेव जहां जहां पे पॉइंट इंटरसेक्ट करे वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, सही है? यानी जिस जहां पे तुम्हें पॉइंट इंटरसेक्शन दिख रहा है ना वो कंस्ट्रक्टिव वाला है, यानी वो क्रस्ट वाला पॉइंट है, और जहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा वो ट्रफ वाला पॉइंट है, राइट? मतलब ये जो इसके अंदर इस डायग्राम के अंदर ये जो ये वाला पॉइंट है दिस इज ट्रफ बेसिकली, और बराबर वाला ये दो क्रस्ट है, राइट? इस तरह से। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं तीसरा बनाऊं तो तीसरा तुम्हें ये इस तरह से दिख रहा है, सही है? चौथा अगर तुम्हें मैं बनाऊं तो चौथा जो है वो लाइक दिस, राइट? पांचवा अगर मैं तुम्हें बना लूं तो पांचवा तुम्हें अबे क्या हो गया, पांचवा ये दिख रहा है, सॉरी। नहीं, तो तुम देख पा रहे हो कि जहां पे ये जो मेरी ब्लैक लाइन मैंने बनाने की कोशिश की है ये स्क्रीन पे या आउटपुट पे तुम्हें क्या दे रही है, ये मैक्स, ये बेसिकली मैक्सिमम इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी, सही है? यानी जब तुम्हें आउटपुट पे जो वेव मिल रही है तो जहां जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती जा रही है वहां पे तुम्हें आउटपुट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, लाइट है, लाइट हम यूज कर रहे हैं, राइट? एंड दिस इज बेसिकली द स्क्रीन, सही, जहां पे हमें चीजें ऑब्जर्व हो रही है। तो हमारे पास स्क्रीन पे जब लाइट हम ऑब्जर्व करें तो हमें जहां जहां पे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव वाली हो रही है वहां वहां पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, राइट? मैक्सिमम पे हमें दिख रहा है मैक्सिमम मैक्सिमम दिख रहा है। और जहां पे डिस्ट्रक्टिव वाली हो रही है वहां पे तुम्हें ब्लैक उन्होंने बना के दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमा, सही है? या फिर तुम कह लो कि लो या डिम लाइट या डार्क स्पॉट, इस तरह से तुम कह सकते हो, राइट? अगर मैं इसकी लाइनें ड्रॉ करूं तो जी मेरे पास, राइट? अच्छा जी, तो हमने ये बात तो कर ली कि भाई हमारे पास जो मैक्सिमा आ रहा है वो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से आएगा, जो मिनिमा आएगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से आएगा। इसी चीज को तुम एक और पिक्चर में भी समझ सकते हो, लाइक दिस, ये तुम्हारे पास जो है ये इस तरह से जो है ना दो सोर्सेज हैं, इन्होंने एक को कहा S1 एक को कहा S2, राइट? और जहां जहां पे यहाँ S1 और S2 दोनों ओवरलैप हो रहे हैं वहां वहां पे तुम्हें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी, सही है? और जहां जहां पे अब देखो इन्होंने जो बोल्ड लाइन बनाई है ब्लैक से, सही है, वो क्रस्ट है, और जो डॉटेड लाइन बनाई है वो ट्रफ है, सही है? तो ये चीज प्लीज ध्यान में रखना। अब अगर तुम इनकी कोई भी एक इमेज पकड़ लो या कोई भी एक साइड पकड़ लो, लेट्स से अगर तुम ये वाली चीज पकड़ लो कि यहाँ पे, सही है? तो अब अगर ये वेव है तो इस वेव का क्रस्ट यहाँ पे आ रहा है और जो दूसरी वाली जो सोर्स है उसकी वजह से ट्रफ यहाँ पे आ रहा है। जब क्रस्ट और ट्रफ मिलते हैं तो तुम्हें पता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, राइट? सिमिलरली अगर कहीं पे अगर तुम इस ग्राफ को या इस पिक्चर को गौर करो तो जहां जहां पे एक बोल्ड लाइन और एक डॉटेड लाइन
एक दूसरे के ऊपर आ रही है, तो वहां वहां पे तुम्हारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, राइट। और जहां जहां पे तुम्हारे पास दोनों बोर्ड लाइन या दोनों डॉटेड लाइन एक के ऊपर एक आ रही है, तो वहां पे तुम्हारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, राइट। तुम देख सकते हो ये वाला अगर रीजन तुम देखो, दूसरे वाला, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, जो उन्होंने बनाए हुए, तो उसके अंदर एक तो वो आ रहे हैं कि जहाँ पे ब्लैक लाइन आ रही है ऊपर, वो क्रस्ट बन रहा है, और जहाँ पे डॉटेड लाइन आ रही है तो वो ट्रफ बन रहे हैं, राइट। तो तुम्हें क्रस्ट भी ऊंचा होके दिखेगा, यानी सुपर क्रस्ट दिखेगा, और ट्रफ भी तुम्हें नीचे दिखेगा, यानी बहुत नीचे होके, यानी सुपर ट्रफ दिखेगा, तो वेव बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएगी, सही हो गया। सो ये बेसिकली हमारे पास इंटरफेरेंस के अंदर ये हो रहा होता है, राइट। तो ये उसकी तीन डायग्राम थी जिससे मैंने तुम्हें समझाया। अब जरा इसके अंदर होता क्या है उसको भी जरा समझ लेते हैं। ये बेसिकली एक आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आती है, जरा उस कैलकुलेशन को समझ लो। तो कैलकुलेशन जो बेसिकली रिलेटेड होती है वो तुम्हारे पास सेकेंड उससे होती है, यानी आप कह लो कि यानी डबल स्लिट जो आपने लगाई हुई होती है ना, उससे आपके पास होती है, सही है। सही हो गया। तो ये मेरे पास आ गई डबल स्लिट, और उसके बाद मैंने लगा दी यहाँ पे स्क्रीन, राइट। ये मेरे पास आ गई स्क्रीन। अच्छा जनाब, अब मेरे पास जो ये बीच का डिस्टेंस है, ये मेरे पास होगा स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस, सही। और ये जो मेरे पास है ये वाला डिस्टेंस, इसको मैं कहता हूं एस, स्लिट सेपरेशन, राइट। यानी दोनों दोनों स्लिट के बीच में, यानी अगर आप कह लो कि एक स्लिट आपके पास इस तरह से आ रही है, मैं जूम इन लेवल पर बना रहा हूं, नहीं। नहीं, मैंने इस चीज को थोड़ा सा जूम इन करके यहाँ पे बनाया बराबर में। सो अब जो बेसिकली यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, वो तुम्हारे पास स्लिट सेपरेशन के तौर पे होगा, सही है, ये स्लिट सेपरेशन। अच्छा जी, और ये तुम्हारे पास है स्क्रीन। अब स्क्रीन पे तुम्हें देखेगा क्या कि तुम्हारे पास जो है वो लाइट ट्रेवल करेगी यहाँ से इधर, मान लो मेरे पास लाइट ही है, सही है। सो लाइट जब यहाँ से ट्रेवल करेगी, सो यहाँ पे तुम्हें एक अदद ब्राइट स्पॉट दिखेगा, राइट। फिर उसके बाद जब ये वाली स्लिट से लाइट सीधी ट्रेवल करेगी, ये वाली स्लिट से लाइट सीधी ट्रेवल कर रही है, राइट, और ये वाली स्लिट से लाइट इस तरह ट्रेवल कर रही है इस पॉइंट के लिए, सही। सो तुम्हें यहाँ पे एक अदद ब्राइट स्पॉट मिलेगा, राइट। कलर चेंज ही होगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, सही। इसका कॉन्सेप्ट ये है जो मैं ऊपर बता चुका हूँ, राइट, कि जिस तरह से तुम ये नहीं कहोगे कि ये बीच में तो कोई लाइट सोर्स है नहीं, तो बीच से कैसे लाइट आ रही है। देखो लाइट नहीं आ रही, इंटरफेरेंस हो रही है, मतलब मैंने जो यहाँ से लाइट बनाई है ना स्क्रीन पे, जो मैंने यहाँ से स्क्रीन पे लाइट बनाई हुई है, तो आप कहोगे कि भाई ये वाली चीज ब्लॉक है, यहाँ से तो कुछ हो नहीं रहा। तो ब्रो यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही है, जब लाइट डिफ्रैक्ट होगी तो डिफ्रैक्शन इस तरह से होगा, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही है, राइट। सो ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ, ये वो लाइन है जो कि तुम्हें इंटरफेरेंस पैटर्न शो करनी, कि यहाँ यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही है, राइट, सही हो गया। अच्छा, इसी तरीके से फिर जब मैं सेकंड स्लिट से, जब मेरे पास लेट से लाइट ट्रेवल कर रही है इधर को, अच्छा जी, अरे भाई ये लाइट आई इधर, सही है, और यहाँ से जो है ना लाइट ने ट्रेवल किया इधर, सही हो गया।
तो यहाँ पे आपको एक और ब्राइट स्पॉट मिल जाएगा, राइट। इसी तरीके से जब लाइट जो है वो यहाँ से यूँ ट्रेवल करेगी, अब ट्रेवल करने का मतलब आई होप सो तुम समझ पा रहे होगे कि ट्रेवल करने का मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जो पॉइंट है मैं उनको मिला मिलू के बना रहा हूँ, तो वो तुम्हें इस तरह से दिखेंगे, राइट। जब यहाँ पे तुम्हें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखेगी तो यहाँ पे इस तरह से दिख रही होगी, राइट। सही हो गया। तो अब ये तुम्हारे पास बेसिकली कंस्ट्रक्टिव, एक और बना देता हूँ, तो ये तुम्हारे पास जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट होंगे, सही है। और यही इतने ही नंबर ऑफ पॉइंट, जितने नंबर ऑफ पॉइंट ऊपर बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ पॉइंट नीचे भी बन रहे होंगे, राइट। तो लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कुछ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट बन रहे, राइट। अच्छा जरा इन पॉइंट्स को अगर तुम समझने की कोशिश करो तो, अच्छा एक काम ही करते हैं, यार हो जाना सारी चीजें हो जाए। कॉपी एंड स्टिल नहीं हुआ है कुछ, मुझे ना इसको यहाँ पे बिठाना है, सही हो गया। तो ये हमारे पास है ना इस तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखेगी, ये ब्रेड वाला पर्पल वाला कम बखत आया नहीं तो बना रहे थे। अच्छा अब अगर तुम इसको जरा समझने की कोशिश करो, इसके अंदर पहले तो देखो यहाँ पे कलर डिफरेंट नहीं होंगे, मैं सिर्फ समझाने के लिए कलर डिफरेंट बना रहा हूँ, सही है। कलर सेम ही रहेंगे, एक ही लाइट का कलर होगा, वो लाइट सेम रहेगी। अगर तुम्हारे पास रेड लाइट है तो वो रेड लाइट ही रहेगी, आगे जाके सेम होगी। मैं सिर्फ डिफरेंट कलर इसलिए यूज करूँ ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो, राइट। तो अब देखो ये जितने भी स्पॉट मैंने बनाए हैं ये सारे ब्राइट स्पॉट हैं, राइट। और इनके बीच में जो भी स्पॉट होंगे वो डार्क स्पॉट होंगे, राइट। मतलब ये जो ये वाला जो स्पॉट होगा ये बीच में, ये डार्क स्पॉट होने वाला है, ये डार्क स्पॉट होने वाला है, ये डार्क स्पॉट होने वाला है, राइट। ये डार्क स्पॉट, ये डार्क स्पॉट, ये डार्क स्पॉट, ये डार्क स्पॉट, राइट, सही। तो हर ब्राइट स्पॉट के बाद एक डार्क स्पॉट आएगा, ब्राइट के बाद एक डार्क आएगा, ब्राइट के बाद एक डार्क आएगा, राइट। और उन ब्राइट और डार्क स्पॉट के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा होगा वो हमारे पास होगा तकरीबन इतना, यानी दो सेंटर ऑफ टू ब्राइट स्पॉट्स या सेंटर ऑफ टू डार्क स्पॉट, दोनों के डिस्टेंस सेम रहेगा, राइट। तो जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट इंटरफेरेंस, राइट। कंसिस्टेंट इंटरफेरेंस, सही है। इसका क्या मतलब होगा कि डिस्टेंस बिटवीन ऑल ब्राइट स्पॉट एंड डार्क स्पॉट विल बी इक्वल, इक्वल, राइट। ये होता है कंसिस्टेंट इंटरफेरेंस। और नॉन कंसिस्टेंट का क्या मतलब, नॉन कंसिस्टेंट इंटरफेरेंस, सही। तो नॉन कंसिस्टेंट इंटरफेरेंस का मतलब है कि जो हमारे पास डिस्टेंसेज हैं वो हमारे पास डिफरेंट होंगे, सही है। सी को कॉपी पेस्ट करते हैं।
सही। तो वो हमारे पास अनइक्वल, अनइक्वल राइट। अब बात आती है कि भाई ओके, कंसिस्टेंट इंटरफेरेंस हम कैसे अचीव कर सकते हैं और नॉन कंसिस्टेंट इंटरफेरेंस कब होगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन द कोहेरेंसी राइट। और कोहेरेंसी हमने कैसे अचीव की, एक ही लाइट सोर्स से। अगर हम यहाँ पे दो लेजर लगा देते तो हमारे पास कोहेरेंसी नहीं मिलती हमें। कोहेरेंसी ना मिलने की वजह से, कोहेरेंसी बोले तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस राइट, कांस्टेंट फेज डिफरेंस ना मिलने की वजह से हमारे पास क्या होता कि जो आउटपुट होता वो जिस तरह से तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, तो ये तो तुम्हें इक्वल इक्वल दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास बराबर बराबर है राइट। लेकिन अनइक्वल तब हो जाता है, यानी ये दो मैक्सिमम बड़े होते, लेट से यहाँ पे कोई मैक्सिमम आता ही नहीं, सही, ये दो मैक्सिमम होते सही, उसके बाद ये दो मैक्सिमम होते सही है, फिर ये दो मैक्सिमम होते लाइक दैट लाइक दैट राइट। तो इस तरह से अगर अजीब अजीब की लेंथ, अजीब अजीब लेंथ के होते तो वहां पे फिर तुम कह सकते थे कि नहीं ये तुम्हारे पास नॉन कंसिस्टेंट हो रहा है राइट। नॉन कंसिस्टेंट कब होगा कि जब तुम्हारे पास कोहेरेंट लाइट नहीं होगी राइट। सो यहाँ पे जो हमने अचीव किया इसको, वो हमने इसको कोहेरेंट लाइट की वजह से। अच्छा देखो, कोहेरेंट लाइट का मतलब ये नहीं है कि दोनों लाइट के बीच में फेज डिफरेंस जीरो का होगा, यानी दोनों लाइट जो है ना एक ही डिस्टेंस पे स्टार्ट हुई है, यानी एक ही टाइम पे स्टार्ट हुई है जलना, ऐसा जरूरी नहीं है। या दोनों सोर्सेज का जो फेज डिफरेंस है, ये एंगल का जो डिफरेंस है दोनों का वो जीरो होगा, ऐसा नहीं है। नहीं, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 180 का भी हो सकता है, 170 का भी हो सकता है, 150 का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन थ्रू आउट द मोशन वो सेम रहना चाहिए। दिस इज वॉट वी आर कॉलिंग द कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस राइट। फेज डिफरेंस कि दोनों वेव्स के बीच में जो भी एंगल है राइट, वो एंगल सेम रहना चाहिए। अगर दोनों के बीच में जीरो का एंगल है, फेज डिफरेंस जीरो का है, तो जीरो का रहना चाहिए फॉर एवर। 120 का है, फॉर एवर 120 रहना चाहिए। 180 का है, फॉर एवर 180 रहना चाहिए राइट। चेंज नहीं होना चाहिए। सो दिस कैन बी अचीव बाय कोहेरेंट लाइट राइट। और कोहेरेंट लाइट हमें कैसे मिलती है कि एक ही सोर्स से दो आउटलेट हम निकाल दें और वहां से हम कोई भी चीज टू दो कोई भी दो सोर्स को हम उस तरह से यूज करेंगे तो वो हमारे पास दो आउटलेट की फॉर्म में आ जाएगी राइट। सो ये हमारे पास जो है ना मैक्सिमा हमारे पास है, और इसको हम जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं एक्स सही। तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है, वो फॉर्मूला हमारे पास बनता है एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर एस सही। समटाइम इसको ना पेपर में एस की बजाय ए भी कहा हुआ होता है, तो तुम एस कहो या ए कहो चलेगा सही है, लेकिन कोशिश करो कि जो मार्किंग की के अंदर जो पेपर के अंदर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वही यूज करो, क्योंकि ज्यादातर कन्वेंशनली वही यूज होता है राइट। अपनी तरफ से कोई होशियारी डालोगे तो भी तुम्हें उसको मेंशन भी करना पड़ेगा। तो इसको मैं सही करके ए ही लिख लेता हूँ सही है। अच्छा जी, अब अगर मैं तुम्हें इसके वो भी दे दूँ कि ये मेरे पास एक्स है एंड एक्स इज एक्चुअली फ्रिंज स्पेसिंग राइट। फ्रिंजेस बेसिकली हमारे पास जो ब्राइट स्पॉट दिख रहा है ना उसको हम फ्रिंज कहते हैं राइट। ये जो हमारे पास ये जो ब्राइट स्पॉट हमें दिखा हम इसको फ्रिंज कह रहे हैं राइट। ब्राइट स्पॉट को मैक्सिमा भी कहते हैं, फ्रिंज भी कहते हैं, ब्राइट इंटेंसिटी वाला पॉइंट इस तरह से कुछ कह रहे होते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन वन फ्रिंज का मतलब ये है सही। फ्रिंज स्पेसिंग आप कह सकते हो कि दो फ्रिंज के बीच में कितना डिस्टेंस है राइट। ए इज बेसिकली द स्लिट सेपरेशन, स्लिट सेपरेशन सही हो गया, मैं तुम्हें बता चुका हूँ क्या सीन है उसका। और डी तुम्हारे पास है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन राइट। और भी लैम्डा तुम्हें पता है वेवलेंथ है सही है। तो तुम्हारे पास सारी चीजें आ गई। तो यहाँ पे भी अगर तुम मार्क कर दो, तुम्हें ये तुम्हारे पास है स्क्रीन सही, ये तुम्हारे पास है स्लिट्स राइट। अच्छा जनाब, अब तुमने ये तो समझ लिया कि तुम्हारे पास जो है लाइट इंटरफेयर कर रही है सही है, और हमारे पास ये सारी कहानी हमने देख ली सही है। तो और इसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया। समटाइम इसके इसमें से कुछ चीज़ का ग्राफ दिया हुआ होता है, तुमने उस ग्राफ को यूज करना होता है राइट। तो लेट से अगर मैं तुम्हें इसका ग्राफ बना दूँ,
कोई भी दो चीज का अगर तुम ग्राफ ले लो, सही है, यानी तुम लैम्डा का ग्राफ बना लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स रेंज स्पेसिंग के हिसाब से, राइट। तो तुम्हारे पास जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, याद रखना प्लीज, वो आगे जाएगा, क्योंकि ये स्टार्ट तकरीबन होना चाहिए 400 से और जाना चाहिए तकरीबन 700 तक, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, वेवलेंथ में तो विजिबल लाइट होनी चाहिए तो ही तुम उसको ऑब्जर्व कर सकोगे, राइट। 400 से नीचे विजिबल लाइट होती नहीं है, 350 के उससे पीछे, उससे पीछे विजिबल लाइट होती नहीं, तो विजिबल लाइट होगी नहीं तो तुम उसको वो नहीं कर सकोगे, राइट। सो ये इस तरह से होना चाहिए, जैसे जैसे तुम वेवलेंथ बनाओगे बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रिंज स्पेसिंग भी बढ़ेगी, तुम्हें दिख रहा है डायरेक्ट रिलेशन है, सो वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिंज स्पेसिंग, राइट। तो तुम ये चीज़ कर सकते हो, राइट। और अगर तुमने ये ग्राफ बना ही लिया तो इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो तुम्हें डी ओवर ए के बारे में बता देगा, नहीं उल्टा हो गया, ए ओवर डी के बारे में बताएगा, राइट। क्योंकि ग्रेडियंट बेसिकली लैम्डा ओवर एक्स के बराबर होगा, राइट, एंड लैम्डा ओवर एक्स होगा, तुम यहाँ से सब्जेक्ट बनाओ तो वो तुम्हारे पास हो जाएगा डी ओवर ए, ओहो उल्टा हो गया फिर से, ए ओवर डी हो जाएगा, सही। तो ये तुम्हारे पास इसका ग्रेडियंट हो जाएगा, सही। तो इस तरह से जो है तुम्हारे पास इसका ग्राफ भी आ सकते हैं, राइट। अच्छा जनाब, इसके बाद अगर हम इसके अंदर कुछ फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस है वो मैं अभी नहीं बताने लगा, वो मैं कल बता दूंगा, सही। मुझे पता है कि शायद ये ओवरफ्लो हो जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा, बताओ बता दूं या फिर कल कल देख लें उसको, आ रहा है तुमको समझ में आ रहा है? बस आगे आगे करें या अभी बस करें, क्या बोलते हो? बस बिल्कुल करते हैं ना, चलो सेट है। तो अच्छा, इसके क्वेश्चन ना अलग से होंगे तो इसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे पूरा, और साथ में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है वो भी हम पूरा कर लेंगे, तो उसी क्वेश्चन से हम कल ही देख लेंगे क्लास में, सेट है। अच्छा, सो बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट था, अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर आप कुछ चीज़ें चेंज कर दो तो उसी हिसाब से चीज़ें भी चेंज हो सकती हैं, राइट। जैसे कि अगर आप जो है ये रिलेशन बस आपने जहन में रखना है कि आपके पास जो है एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए है, राइट। सो एक्स बेसिकली फ्रिंज स्पेसिंग है, एस या ए, मैंने यहाँ पे एस लिखा हुआ है तो मैं एस ही दिखा रहा हूँ, सही। तो सारे वेरिएबल जो डायग्राम में मार्क है वो मैंने फॉर्मूले में रिलेट कर दिए, सही। तो एक बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन वो यहाँ पे इस तरह से दे देते हैं कि तुम्हारे पास जो है ना, जो अगर तुम किसी भी एक चीज़ को इंक्रीज कर दो, लेट से तुम वेवलेंथ को इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, पहले तुम ब्लू ब्लू लाइट यूज कर रहे थे, सही, ब्लू लाइट की वेवलेंथ तुमने ली हुई थी 400, सही है, तुम ब्लू लाइट से शिफ्ट हो गए अगर रेड लाइट पे, सही, 700 हो गई, सही, या 700 से ऊपर 400 पे चले गए, तो इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, सही, एक्सपेरिमेंट पे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अगर अगर तुम्हारे पास, तुमने सेटअप सेम रखा हुआ, यानी तुमने स्लिट स्पेसिंग यानी जो स्लिट सेपरेशन है तुमने वो सेम रखा हुआ है, सही, उसको नहीं चेंज किया तुमने, और तुमने जो है ना वेवलेंथ चेंज कर दी, अगर तो वेवलेंथ इंक्रीज करोगे तो जो एक्स है फ्रिंज स्पेसिंग वो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर इसको डिक्रीज करोगे तो ये भी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। यानी जो ब्राइट स्पॉट है, ये जो दो ब्राइट स्पॉट है इनके इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, राइट, और अगर तुम इनको डिक्रीज करोगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, राइट। तो इसका ये मतलब है, तो इसी तरीके से अगर जो है तुम डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट यानी ये डी इसको चेंज कर दोगे तो उससे तुम्हारे पास क्या होगा कि तुम्हारे पास जो, अगर तुम एक्स की बात करो तो अगर तुम डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी एक्स इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो तुम्हें बाकी दूसरी चीजें फिर कॉन्सेंट रखनी पड़ेगी, लैम्डा और स्लिट सेपरेशन, राइट। स्लिट सेपरेशन इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, सही है। तो तुम इस तरीके से इसको इसमें चीजें अप्लाई करोगे, राइट। वो इस तरह से क्वेश्चन बहुत देंगे और तुम्हें एक 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 दो दो नंबर में देंगे और तुम्हें उसमें बताना होगा कि क्या चीज होगी, किस चीज के क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट। अच्छा, सम टाइम वो ये करते हैं कि यहाँ पे जो ना, जैसे तुम्हारे पास इन फेज मोनोक्रोमेटिक लाइट आपने यूज की हुई है, राइट, हमने यहाँ पे इन फेज
मोनो क्रोमेटिक लाइट हमने यूज की थी। सही है। इन फेज बोले तो हम के एक ही सोर्स है, एक ही सोर्स का मतलब है कि जो लाइट का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, राइट। तो इन फेज मोनोक्रोमेटिक लाइट हमने यूज की हुई है, तो उससे जो है ना आउटपुट हमें इस तरह से दिख रहा है। अगर मैं इस इन फेज को चेंज करके आउट ऑफ द फेज कर लूं, आउट ऑफ द फेज, सही है। तो अब ऑब्वियसली बात है, लाइट को मैं चेंज नहीं कर सकता आउट ऑफ द फेज में, लेकिन अगर कोई साउंड सिस्टम है कि जिसको मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ, तो उसके अंदर फिर क्या होगा, मेरे पास जो मैक्सिमा है ये स्विच हो जाएंगे, सही है। तो अगर आउट ऑफ द फेज होगा, सो आउट ऑफ द फेज की वजह से क्या होगा, मैक्सिमा स्विचेस विद मिनिमम, सही है। यानी जहां पे आपके पास ब्राइट स्पॉट है वो स्विच हो जाएगा नो या डार्क स्पॉट से, यानी अगर जो है ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये ऊपर चले जाएगा, सही है। ये पॉइंट है ऊपर चले जाएगा, सही है। इस तरीके से आपके पास काम होगा, सही है। सो ये कुछ चेंजेस हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि होंगी, सही है। इसी तरीके से अगर आप इसका इंटेंसिटी का ग्राफ बनाओ तो अच्छा, सो अगर आप इसके इंटेंसिटी का ग्राफ बनाओ तो वो इंटेंसिटी का ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आपके पास जो सेंट्रल स्पॉट है वो ब्राइट है, राइट, और उसके आसपास वाले डार्क हैं, या उसके आसपास वाले इतने ज़्यादा ब्राइट नहीं होते। तो इसमें जो हम इंटेंसिटी का जो फिर ग्राफ बनाते हैं वो फिर इस तरह से बनाते हैं कि सही इस तरह से हमारे पास राइट। तो यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी होती है, ठीक। तो यहाँ पे यूजुअली हम एंगल ले रहे होते हैं, सही है। यानी एंगल का मतलब, यानी ये जो इनके बीच का जो एंगल आ रहा होगा ना, सेंटर से जहाँ जहाँ तक का एंगल जा रहा होगा वो वाला एंगल हम ले रहे होते हैं, राइट। तो इनके इंटेंसिटी का ग्राफ इस तरह से आपको देखेगा कि सेंट्रल वाली जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होती है और उसके बाद वाली पे डिम होनी शुरू हो जाती है, सही। इसके अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं तो इस पिक्चर के अंदर जो है ना क्लियर होगा कि क्या कहानी है। पिक्चर मेरे पास है, ये रही कॉपी, और मतलब इसका जो आउटपुट आपको दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा, सही है। तो अगर आपके पास सिंगल स्लिट है, सही है, हम सिंगल स्लिट पढ़ते हैं, हमारे पास डबल स्लिट या ट्रिपल स्लिट इसके आगे नहीं, अच्छा सिंगल स्लिट नहीं डबल स्लिट पढ़ते हैं, सही है। तो अगर आपके पास सिंगल स्लिट है, यानी एक ही स्लिट लगी हुई है लाइक दिस, राइट, तो उसमें आपको सेंट्रल ब्राइट स्पॉट इस तरह से दिखेगा, उसके बाद जो है ना जो आसपास वाले होंगे वो डिम होते जाएंगे, राइट। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं, जो डबल स्लिट हम पढ़ रहे हैं, वो हमें सेंट्रल ब्राइट स्पॉट इस इतना डार्क हमें इतना ब्राइट दिख रहा है, फिर उसके बाद ये पूरा डार्क वाला पोर्शन है, सही है। फिर उसके बाद ये ब्राइट स्पॉट है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, राइट। तो हम बेसिकली ये वाली चीज स्टडी करें तो वो आपको दिख रही है, बाकी इसके अलावा ये हमने नहीं देखा है, तो ये हमारे सिलेबस में